हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने मुझे अच्छी विशेस भेजी थी मेरे जल्दी ठीक होने के लिए। तो आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर जून 2023 के, प्लस अपने मई के लास्ट वीक के करंट अफेयर रहते हैं वो भी मैंने इसी में डाल दिए हैं, इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर जो डिफरेंट न्यूज़पेपर से कंपाइल्ड हैं, दी ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, दिव्य हिमाचल, जिसमें भी जितनी न्यूज़ इंपॉर्टेंट आई होती है वो सारी हमने इस वाली वीडियो में कंपाइल करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अपना करंट अफेयर है शानन पार हाउस, जो न्यूज़ में था वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है। तो ये अपना लोकेटेड है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, मंडी के जोगिंदर नगर में ये लोकेटेड है। अब ये जो शानन हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट है ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ था? ये न्यूज़ में इसीलिए बना हुआ है बिकॉज ये था लीज पीरियड में ये पंजाब गवर्नमेंट जो है हमारी 99 ईयर्स के लिए इनको दिया हुआ था और ये इसको मेंटेनेंस कर रहे थे। अब ये लीज पीरियड खत्म होने वाला है मार्च 2, 2024 को और हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भाई अब हम इस लीज पीरियड को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो लोग तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, इस पे हमारा पूरा हक है, जेन्युइन राइट है, तो इसको हम अपन आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो CM हैं इन्होंने पंजाब की गवर्नमेंट को भी बोला है और प्लस इन्होंने सेंट्रल की गवर्नमेंट को भी बोला है कि आगे हम इसकी जो बागडोर है वो पंजाब को नहीं देना चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश ही खुद ही इसकी मेंटेनेंस करेगा। बिकॉज ये जो शानन पार हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सॉरी शानन हाइड्रो पार हाउस है, लगभग 200 करोड़ रेवेन्यू एनुअली लाने की कैपेसिटी रखता है। वैसे एक न्यूज़पेपर में तो ये कहा था कि पंजाब भाई इसकी मेंटेनेंस तो कर नहीं रहा, लेकिन 300-400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एनुअली कमा रहा है। लेकिन लगभग हमारे सीएम कहते हैं कि 200 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है ये लोग जनरेट हम लोग जनरेट कर सकते हैं इससे। इसकी टोटल कैपेसिटी है 110 मेगावाट। तो अब ये जो लीज पीरियड है इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, और क्योंकि इन्होंने सीएम ने यह भी कहा था कि जो आपका लीज पीरियड का टाइम बचा हुआ है इसमें या तो आप इसकी मेंटेनेंस कर दो या फिर हमको हैंडओवर कर दो, ये डिप्लोरेबल कंडीशन में है, खराब कंडीशन में है, इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई है, राइट। तो ये क्या हुआ था, क्यों ये लीज पीरियड में दिया गया था? बिकॉज इसको वैसे तो कमीशन किया गया था 1932 में, ये एक लीज में ही बिल्ड किया था। उस समय मंडी के जो राजा थे वो राजा जोगिंदर सेन थे, उनके बीच में प्लस ब्रिटिश के इंजीनियर थे कर्नल बीसी बेटी, इन दोनों के बीच में ये 99 इयर्स की लीज पीरियड में बनाया गया था और अब जाकर के ये लीज पीरियड एक्सपायर होने वाला है, राइट। तो इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। ये इशू अब एक नया आ गया है हिमाचल और पंजाब के बीच में, पहले क्या था वाटर सेस था, उसमें भी दोनों के बीच में कुछ कुछ चल रहा था, अब ये नया आ गया है शानन हाइड्रो पार हाउस। नेक्स्ट अपना न्यूज़ में बना हुआ था HP शिवा प्रोजेक्ट। मुझे लगता है जितने जो भी लोग रेगुलर इस करंट अफेयर्स को देखते हैं उनको अगर नींद में भी पूछ लिया जाए कि HP शिवा प्रोजेक्ट क्या है तो शायद वो बता दें, बिकॉज ये कितनी बार न्यूज़ में बना रहता है और कितनी बार अपन इसको डिस्कस करते हैं। फिर भी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि एक MOU साइन होगा अब 8 जून को हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में, राइट। इस प्रोजेक्ट की हिमाचल प्रदेश जो शिवा प्रोजेक्ट है इसकी फुल फॉर्म तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसकी टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की 1292 करोड़ रुपए, जिसमें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो स्पेंड करेगा 1030 करोड़ रुपए और 262 करोड़ रुपए जो है वो अपनी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। इस प्रोजेक्ट को दो फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेज में इसे सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट में ही इंप्लीमेंट किया जाएगा, बल्कि जो सेकेंड फेज है उसमें पूरे रिमेनिंग हिमाचल में इसे किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहले फेज के जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनमें है आपके मंडी, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा बिलासपुर, ठीक है। इसके साथ ही हम लोगों ने न्यूज में पीछे डिस्कस किया भी था कि 257 क्लस्टर जो है वो आइडेंटिफाइड कर दिए गए हैं। फेज वन के लिए 257 क्लस्टर को आइडेंटिफाई किया है। टोटल जो लैंड है इसमें 257 क्लस्टर्स में वो 4000 हेक्टेयर है। इसके अंतर्गत अब वन क्रॉप वन क्लस्टर, एक फसल एक क्लस्टर के तहत ऑरेंज, लीची, गुआवा, मैंगो, ये सारे जो प्लांट्स हैं, ये सारे जो फ्रूट्स हैं उनको लगाया जाएगा। मेन मोटिव क्या है वैसे इसका? मेन मोटिव यही है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसको वो एज अ फ्रूट बॉल ऑफ कंट्री बनाना चाहते हैं, फल राज्य बनाना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता ही है ना कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा फल कौन लगाया जाता है? सेब ही है, सेब डोमिनेंट कर रहा है अपनी मार्केट को फल की।
तो इसलिए सेब अकेला ही डोमिनेट ना करे, बल्कि जो अनदर फ्रूट्स हैं वो भी यहाँ पे ग्रो हो, इसलिए तो ये ऑरेंज, लीची, गुआवा, मैंगो इनको लगाया जा रहा है। तो फिर एक फल राज्य बनाने की, फ्रूट वॉल बनाने के लिए एक ये कोशिश है हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट, जो हमारे बागवानी क्षेत्र को मेन मोटिव यही है इसका कि अपना जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, बागवानी क्षेत्र है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड सोलर फेंसिंग वेंसिंग भी इसमें करवाई जाएगी, प्लस 15,000 जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे इससे, यानी कि उनको डायरेक्टली लाइवलीहुड मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पीपल ऑफ फेयर जो हाल ही में मनाया गया वो किस जिले में मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है पीपलू विलेज, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है, याद रखना इसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है, 3 दिन तक इसे मनाया गया। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे आए थे, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर से, जो नारसिंह देवती है, एक नारसिंह देवता है, इनको चढ़ावा चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं, याद रखना इसको। पीपलू फेयर, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स बुक में आप लोगों को दिए हैं, जानती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे फेयर है ना घुस घुस के न्यूज में आ जाते हैं जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। तो जितने भी ये फेयर फेस्टिवल आते हैं, अपने फेयर और फेस्टिवल वाले नोट्स में जाकर के वहां पे लिख देना है, जो भी अलग से आएगा वहां पे जाकर के नाम लिख देना है। नेक्स्ट अपना करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इनका नाम है जस्टिस ममिदाना सत्य राणा श्री रामचंद्र राव, ठीक है, MS राव भी इनको हम बोलते हैं, जस्टिस MS राव। तो ये नए चीफ जस्टिस बने हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, और बेसिकली हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, किस घाटी में ये बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा सैंज वैली में, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जो भी फ्लोरा फौना पाए जाते हैं उनके बारे में। जिनको नहीं पता है कि फ्लोरा और फौना क्या होते हैं वो एक मिनट के लिए यहाँ पर सुन लें। फ्लोरा मतलब आपके यहाँ पर प्लांट्स जितने भी हैं उनके बारे की इन्फॉर्मेशन, फौना मतलब एनिमल के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, जितने भी एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, दो टर्म्स है ये साइंस की, फ्लोरा और फौना। तो ये सैंजरोपा में लगाया गया है, इसका जो फोकस होगा वो ऑर्किड्स पे होगा, मेडिसिनल प्लांट्स पे होगा, प्लस बर्ड्स पे होगा, जितने भी ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं यहाँ पर उनके ऊपर होगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में लगभग 10% जो वेस्टर्न ट्रेगोपान है उसकी पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। आपको पता है ना क्या है ये वेस्टर्न ट्रेगोपान? ये हमारे स्टेट का बर्ड है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, राइट। ये जो सेंटर है ये विजिटर्स के लिए, जैसे आपको पता ही है स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जाते हैं विजिट के लिए। जब मैं मेरी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी तो हम लोग भी गए थे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू को विजिट करने के लिए। तो काफ़ी सुंदर पार्क है ये, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, बहुत ही सुंदर है, हमने बहुत इंजॉय किया था। खैर, तो इसी तरह से स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जाते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, नेचर वॉक के लिए, उन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंटरप्रिटेशन सेंटर, बिकॉज इनको एक जगह पे ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लोकेटेड है, और ये 1984 में बनाया गया था, बट फॉर्मली ऑफिशियली जो नोटिफाई किया गया था वो किया गया था इसको 1999 में। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा मिला था वो 2014 में मिला था। 4 वैलीज में ये स्प्रेड है, फैला हुआ है, पार्वती वैली, जीवानल वैली, तिरथन वैली और सैंज वैली। तिरथन वैली भी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, तो 4 वैली में फैला हुआ है, सैंज वैली में, सैंजरोपा में ये इंटरप्रिटेशन सेंटर को हम बना रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बद्दी में जो व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर बनाया जा रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? तो इसकी कॉस्ट है 16 करोड़ रुपए। अब हमारे जो CM है उन्होंने कहा है कि बद्दी में एक इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर बनाया जाएगा ताकि जो मैकेनिकली फिट व्हीकल्स हैं, मतलब सही व्हीकल्स हैं, वही हमारे आगे हिमाचल में एंटर कर पाए। एक तरह से ग्रीन कॉरिडोर हाईवेज का आइडिया भी इन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया हुआ है। ग्रीन कॉरिडोर हाईवेज बनाने के लिए, हिमाचल प्रदेश को एक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। हम आए दिन अपने करंट अफेयर में उनको डिस्कस करते रहते हैं। अब इसी में एक ये भी है कि जो केलोंग है हमारा, वो इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन वहाँ पर बनाया गया है, और केलोंग को 2 इलेक्ट्रिक बसेस दे दी गई है, ठीक है।
टू इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर दे दी गई है केलोंग में, और जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा और भी दे दी जाएगी। तो एक तरह से ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं। नेक्स्ट अपना न्यूज में था छाम डांस, जिसे परफॉर्म किया गया था गुरु पद्म संभव जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक, अब किसी ने मुझे पूछा भी था टेलीग्राम पे कि छाम डांस जो है वो बेसिकली कहाँ कहाँ पर किया जाता है। शुभांकर ने मुझे पूछा था, तो जो छाम डांस है ना वो तिब्बतीन ट्रेडिशनल डांस है, इसको लामा डांस भी अपन कहते हैं, लामा देवी डांस, और ये हिमालयाज में परफॉर्म किया जाता है। किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में ये नहीं किया जाता है कि जैसे आप बोलो ये लाहौल स्पीति में किया जाता है या फिर लद्दाख में किया जाता है, ऐसा नहीं है। हिमालयाज में इसे परफॉर्म किया जाता है, और जो एरिया वैसे यहाँ पर मतलब बुद्धिज्म जहाँ पर ज़्यादा प्रॉस्पर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है बुद्धिज्म जहाँ पर, वहाँ पर इसे किया जाता है। और ये जो एरियाज हैं हमारे हिमालयन बेल्ट के, ये है लद्दाख, सिक्किम, लाहौल स्पीति, किन्नौर आ गया आपका, धर्मशाला आ गया, भूटान आ गया या तिब्बत आ गया। तो वैसे तो पेपर में ऐसा आएगा नहीं कभी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की भाई छाम डांस जो है वो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू जैसे ऑप्शंस होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक कर लेना जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगेगा। लेकिन ये याद रखना कि हिमालयन बेल्ट में ये छाम डांस को परफॉर्म किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह नहीं किया जाता। जहां जहां पर बुद्धिज्म सबसे ज्यादा फेमस है वहां पर इसे किया जाता है। बुद्धा के लिए गुरु पद्म संभव थे, बुद्धिज्म बुद्ध धर्म के जो एक बहुत बड़े गुरु थे, जिनको माना जाता है कि इस बेल्ट में जो बुद्धिज्म है जितना ये अब मतलब जिस तरह से प्रॉस्पर किया जा रहा है इनका काफी योगदान माना जाता है। तो इनके लिए ये इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए छाम डांस को परफॉर्म किया जा रहा था। नेक्स्ट है अपना एजुकेशन वर्ल्ड ग्रैंड जूरी इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग्स 2023-24 में शुलिनी यूनिवर्सिटी को कौन सा रैंक मिला है। तो शुलिनी यूनिवर्सिटी को इसमें मिला है रैंक 2। ठीक है, तो शुलिनी यूनिवर्सिटी जो है उसको बहुत सारे रैंक मिलते रहते हैं, एग्जाम्पलरी रिसर्च में ये इसको रैंक 2 मिला है, टॉप पोजीशन हासिल कर लेती है ये। नीरव की रैंकिंग में भी इसको अच्छी रैंकिंग मिलती है। और शुलिनी यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, लोकेशन है इसकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। इससे पहले ये कॉलेज था, फिर मतलब जहाँ पर यह कॉलेज था ये एक मैनेजमेंट का, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी बनी है 2009 में, इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया है, नई यंग यूनिवर्सिटी है अभी तक। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस देख रहे हो सरकारी काम और प्राइवेट काम में, बिकॉज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो भी तो 2009 के एक्ट से ही तो आई थी, तो उसके उसकी डेवलपमेंट में और शुलिनी की डेवलपमेंट में फ़र्क देखो, उसके कैंपस में इसके कैंपस में फ़र्क देखो, बिकॉज अभी तो वहाँ पे कैंपस डिसाइड हो रहा है, अभी देहरा में बनेगा धर्मशाला में बनेगा, देहरा में बनेगा धर्मशाला में बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मियार वैली कहाँ पर सिचुएटेड है। मियार वैली जो न्यूज़ में थी, अब मियार वैली न्यूज़ में क्यों थी ये अपन देखेंगे यहाँ पे। देखो 500 करोड़ रुपए का जो बजट प्रपोजल है वो इको टूरिज्म के लिए भेजा गया है लाहौल स्पीति में, इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जब से अटल टनल वहाँ पर बनी है आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पर आना शुरू हुए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो। हिमाचल के ही कितने लोग वहाँ पे जो भी देखो बोलते हैं अटल टनल देखने जाना है, अब हमें डोमेस्टिक हो चाहे बाहर के हो बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पर। तो उस एरिया में लेकिन डेवलपमेंट कम है। ठीक है, तो उस एरिया को और ज़्यादा विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने बोला है 500 करोड़ रुपए का बजट प्रपोजल भेजा है ताकि इको टूरिज्म को हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं लाहौल स्पीति में जिनमें बहुत पोटेंशियल है एज अ टूरिस्ट स्पॉट बनने का, लेकिन वो अंडर डेवलप्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मियार वैली आ गया, थनपतन एरिया आ गया, तांडी संगम आ गया जहाँ पर आपकी चंद्रा और भागा आकर के मिलती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं, इनको डेवलप करने की ज़रूरत है। और हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम लोग अरुणाचल प्रदेश का जो मॉडल है उसको अडॉप्ट करेंगे, अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स भी कहा जाता है। अपने इंडियन जीके के हिसाब से भी याद रख लेना इसको कि लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स किसे कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को। तो उनका जो टूरिज्म मॉडल है उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। लाहौल स्पीति के ही बारे में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आप है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बिकॉज इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर यह है कि जो लाहौल स्पीति के लोग हैं वो TCP एक्ट को अपोज कर रहे हैं। अब ये TCP एक्ट क्या है,
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1970 में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट लाई थी अकॉर्डिंगली कि जो हिमाचल प्रदेश में पर्टिकुलर जगहें हैं उनको डेवलप करने के लिए और जिस तरह की डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट यहाँ पर लाया गया था। एक्चुअली पाया क्या गया है कि जो अटल टनल है वहाँ पर कुछ तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, अनरेगुलेटेड ग्रोथ वहाँ पर हो रही हैं और मैंने ये भी पढ़ा था न्यूज़ में कि लोग जो हैं वहाँ पे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं कि आप इनको क्या पड़ी हुई है, इस तरह से मतलब उस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। तो इसके लिए जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट है उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही हो, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे जो लाहौल स्पीति के लोग हैं ये इसको अपोज कर रहे हैं। अभी ये इसको अपोज क्यों कर रहे हैं भाई, ये इसको अपोज कर रहे हैं कि ये इनके इनको जो राइट मिले हैं, ट्राइबल बेल्ट है ना ये, तो इनको राइट मिले हैं पीसा एक्ट के अंतर्गत। पीसा एक्ट जो 1956 में आया हुआ था ये स्पेशल पावर देता है ग्राम सभा को शेड्यूल्ड एरिया की स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज जैसे है फॉरेस्ट वगैरह आ गए इनकी मैनेजमेंट के लिए, ट्राइबल जो हैं इनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए इन्वॉल्वमेंट ग्राम सभा की इन्वॉल्वमेंट के साथ इस एक्ट को लाया गया था, पीसा एक्ट 1996 का। ठीक है, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पे भाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट को इम्पोज कर रहे हो, डाल रहे हो, तो ये हमारे पीसा एक्ट 1996 के अंतर्गत जो अपन को राइट मिले हैं उनको ये वॉयलेट कर रहा है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो रहे हैं, इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए गए हैं। लोग बोल रहे हैं, जो भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं लाहौल स्पीति के, वो बोल रहे हैं कि भाई हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे पूरे लाहौल स्पीति में ताकि जो लोग हैं उनको पीसा एक्ट 1996 के बारे में पता चल सके कि उनको क्या स्पेशल पावर्स दी गई हैं इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सब चला है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना को कब शुरू किया गया था? तो जो प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना है इसको शुरू किया गया था 2018-19 में। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया हुआ है? न्यूज़ में ये इसलिए आया है बिकॉज हमारे हिमाचल प्रदेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने एक टारगेट रखा है कि वो नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत एडिशनल 30,000 एकर्स को लाएंगे। अभी तो जो एरिया है उसके अतिरिक्त 30,000 एकड़ ये और लेकर आएंगे। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना 2018-19 में शुरू की गई थी ताकि जो नेचुरल फार्मिंग है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो अभी तक 1.71 लाख लगभग फार्मर्स हैं जो नेचुरल फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज़ को डिस्करेज किया जा रहा है और नेचुरल तरीके से आप लोग फार्मिंग करो उस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि वैल्यू एडेड टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स जैसे जो बहुत सारे केसेस उलझे हुए हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कौन सी स्कीम लाई गई है? तो इस स्कीम का नाम है द सद्भावना केसेस लीगेसी रेजोल्यूशन स्कीम 2023। स्टेट कैबिनेट ने इसे मार्च 2023 में अप्रूव किया था और ये जो है आप लोगों को पता ही है कि जब से GST इंप्लीमेंट हुआ था अभी तक भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं अभी भी अपने प्री GST इश्यूज को वो रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, राइट? तो लगभग 50,000 केसेस ऐसे हैं जो अभी तक भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन केसेस को ही सही तरीके से रिजॉल्व करने के लिए स्कीम को लाया गया था। इस तरह की जो पहली स्कीम थी उसे जनवरी 2020 में लाया गया था, दूसरी को 2021 में लाया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपने अनपेड टैक्सेस और जो भी अदर लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना आ गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट किस साल को घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 2023 को। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है ताकि जो मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले। और ये अब हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना है वो फिर से न्यूज में आ गई है। इसके अंतर्गत जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स को मिलेट्स को प्रोड्यूस किया गया था, शिमला में एक फेस्ट हुआ था, लोगों ने वहां पर उसकी काफी अच्छी सेल की नेचुरल प्रोडक्ट से बनी हुई चीजों की, जैसे कि सिड्डू, खीर, हलवा, सूप, चाय वगैरह जो नेचुरल मिलेट्स हैं, जैसे ओगला हो गया, कोदा, कोदरा जिसको बोलते हैं, और बाथू, इन सब चीजों से ये इनको बनाया गया, इनको प्रोड्यूस ही पहले तो प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के अंतर्गत किया गया था। इस योजना को PK3Y भी बोलते हैं और इस योजना के अंतर्गत भी अपन मिलेट्स को ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को ये बोल रहे हैं कि भी ज्यादा से ज्यादा जो मिलेट्स हैं उनको कंज्यूम करो, इनमें ज्यादा फाइबर्स हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी ज्यादा हाई है।
मिलेट्स को ही प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट से थे नेकराम जी, उनको पद्मश्री भी मिला था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के नए प्रो वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है डॉक्टर राजेंद्र वर्मा। डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जो है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला से ही हैं और अब बन गए हैं ये हिमाचल प्रदेश के नए प्रो वीसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ जून 2023। तो आज 5 जून है और 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इस बार का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो इस कैंपेन के अंतर्गत मनाया जा रहा है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, मतलब लोगों को रिमाइंड करवाया जा रहा है कि आप जो प्लास्टिक है उसका यूज़ कम से कम करें। स्लोली स्लोली ये हमारी मिट्टी में, हमारे जंगलों में, हमारे ओशियंस में जा रहा है और एक तरह से इररिपेयरेबल डैमेज को कॉज कर रहा है, जिस डैमेज को हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये थीम थी। तो ये थे हमारे टोटल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के नोट्स के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, himachalchronicle.in पे जाकर के देख सकते हो सारे करंट अफेयर के नोट्स को जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि करंट अफेयर जो नेशनल और इंटरनेशनल वाले हैं वो सीरीज़ कब कंटिन्यू करोगे। येस, वो सीरीज़ भी कंटिन्यूटी में चलेगी। वीक में आपको 2-3 वीडियोज़ मिल जाती हैं, जस्ट बिकॉज 2-3-4 डेज से तो कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी इसलिए वो अपलोड नहीं हुई। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। अपना फीडबैक ज़रूर दें, आप लोगों का फीडबैक बहुत 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 और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए।